नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTT एंड TTS प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं NCERT के भूगोल के नोट्स को लेकर आई हूँ, जो CTET एग्जाम साथ में किसी भी TET एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग CTET या TET का एग्ज़ाम सोशल स्टडीज़ से देते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और इस चैनल पे मैं विज्ञान के नोट्स को भी दूंगी, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह क्रमशः पृथ्वी, बुध तथा शुक्र है, जबकि सबसे कम घनत्व तो शनि का है। आगे है, ग्रहों में सर्वाधिक अर्थव्यास क्रमशः बृहस्पति, शनि और पृथ्वी का है। अब चंद्रमा से संबंधित सार यहाँ पे है कि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1938 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक पिंड ही थे। यह पूरा पिंड डबल बीच से पतला या किनारों से मोटा था, लेकिन इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ और अंतोगत्वा यह टूट गया। इस उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। आगे है, यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी को ग्रह उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी का उद्भव व विकास। पृथ्वी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इससे संबंधित तथ्य यहाँ पे है कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग थी। पृथ्वी की संरचना परतदार है और वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ भी की अलग विशेषता है। आगे, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों के घनत्व तो अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। आगे है, इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए और अंतोगत्वा यह पृथ्वी की भूपरपट्टी के रूप में विकसित हो गए। और आगे है, हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। और चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। अब विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया और पृथ्वी के धरातल से क्रोर तक कई परतें पाई जाती है, जैसे परपट्टी हुआ, प्रवार हुआ, बाह्य क्रोर और आंतरिक क्रोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग के आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व तो बढ़ता गया। आगे है, वायुमंडल व जलमंडल का विकास। वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ, इनसे संबंधित तथ्य यहाँ पे है कि वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएँ, वर्तमान में जो वायुमंडल है उसके विकास की 3 अवस्थाएँ हैं। और इनकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जल वाष्प के वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। और प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों ने सौर पवन के प्रभाव के कारण
आधिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया, यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। और पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैसें व जल वाष्प बाहर निकले, इसे आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। पृथ्वी के ठंडा होने पर क्या हुआ, विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सारी गैस व जल वाष्प बाहर निकले और इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में स्वतंत्र, ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग में गैस से धरती पर आई उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोटक से वायुमंडल में जल वाष्प व गैस बढ़ने लगे। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन शुरू हो गया और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा जिससे महासागर बने और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। क्या है, महासागर कितने साल पुराने हैं? महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था और यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई और लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है, क्योंकि धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन के संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। और आप अगर आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और आगे के वीडियोज़ में मैं अगले चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। और सारे एनसीईआरटी नोट्स को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।